दोस्तों हमारी इस धरती पर करोड़ों सालों से कई तरह के क्रिएचर का अस्तित्व रहा है। हालांकि शुरुआती दौर में कई ऐसे जानवर पाए जाते थे जो आज की तुलना में काफी विशाल, अजीब और खतरनाक हुआ करते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये क्रिएचर आज के समय जिंदा होते तो कैसा होता? दरअसल दुनिया भर के साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं, जिसमें ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये क्रिएचर फिर से इस धरती पर जीवित हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई, ताकि हमें भी तो पता चले। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर वन, वुली मैमथ। लाखों साल पहले इस धरती पर पाए जाने वाले सबसे अजीबोगरीब जानवरों में से एक है वुली मैमथ, जो आकार के मामले में काफी विशाल हुआ करता था। यह आज से लगभग 10,000 साल पहले हमारे धरती से विलुप्त हो चुका है, इसलिए अब हम इसे बस किस्से कहानियों में ही याद करते हैं। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, ये अगर हमारी धरती पर फिर से लौट आए तो क्या होगा? ऐसे तो ये काफी चौंका देने वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई तो जरूर है। दरअसल वैज्ञानिकों ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों को आर्कटिक टुंड्रा में वुली मैमथ का जीवाश्म मिला है, जिसे आज के समय में मौजूद हाथी के साथ इसके डीएनए का इस्तेमाल करके फिर से इसे धरती पर जीवित करने की तरकीब घड़ाई जा रही है। हाथी की मदद से जन्मे इस जानवर का नाम मैमोफैक्ट रखा जाएगा, है ना दोस्तों? बिल्कुल अमेजिंग। यानी अगर ऐसा होता है तो वाकई में साइंस की दुनिया हमें फिर से चौंका कर रख देगी। नंबर टू, वुली राइनोसोरस। वुली मैमथ की तरह ही आज से लगभग लाखों साल पहले एक और जानवर पाया जाता था, जिसका नाम था वुली राइनोसोरस, जो कि आर्कटिक स्नो एरिया में पाया जाता था। ये जानवर आज के समय में पाए जाने वाले राइनोसोरस की तुलना में कई ज्यादा बड़ा, पावरफुल और डेंजरस हुआ करता था। फिर आज के वक्त में ये सिर्फ डिबेट का टॉपिक रह गया है, लेकिन आज के समय साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि लगभग इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, खबर है कि वैज्ञानिक इस प्रजाति को फिर से धरती पर वापस जिंदा करने की कोशिश में लगे हैं। है ना शॉकिंग बात? अब इसका क्या रिजल्ट आएगा, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। नंबर थ्री, साइबर टूथ टाइगर। गुजरे जमाने के जानवरों की लिस्ट में एक नाम साइबर टूथ टाइगर का भी शामिल है, जो दिखने में तो टाइगर के जैसे ही दिखते थे, लेकिन वो टाइगर से भी बड़े और खतरनाक होते थे। इनका वजन लगभग 100 से 200 किलोग्राम तक होता था। वहीं अगर इसके लंबाई की बात की जाए तो ये लगभग 13 फीट तक लंबे होते थे। इनकी पावरफुल बॉडी इस बात की गारंटी थी कि बड़े से बड़े जानवरों को भी काबू में करने में इसे महारत हासिल थी। ये ऊंट जैसे जानवरों को भी अपने वश में कर सकता था। इतना ही नहीं, इनके पास टाइगर की तरह मजबूत दांत होते थे, लेकिन आज के टाइगर के मुकाबले इनके दो दांत बाहर की ओर काफी ज्यादा निकले होते थे, जिनकी लंबाई लगभग 1 फीट तक होती थी, और यही लुक इन्हें काफी खतरनाक भी बनाता था। हालांकि 11,000 साल पहले ही ये विलुप्त हो चुके थे, लेकिन अब जाकर वैज्ञानिकों के इनके जीवाश्म और डीएनए मिले हैं, जिसे लेकर इसके रिक्रिएशन की भी खबरें आ रही है। हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वैज्ञानिकों के दिमाग में कब क्या चलता है इसे कोई नहीं समझ सकता। नंबर फोर, साइबेरियन यूनिकॉर्न। अब इस लिस्ट में अगला नंबर है साइबेरियन यूनिकॉर्न का। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि वैज्ञानिकों के पास इससे रिलेटेड क्या पॉसिबिलिटीज है। ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 30,000 साल पहले ये जानवर धरती पर एग्जिस्ट करता था। इसकी लंबाई लगभग 15 फीट तक होती थी, वहीं ये लगभग 6 फीट तक ऊंचा होता था, और इसके वजन की बात की जाए तो ये काफी चौंका देने वाली बात थी। इसका वजन लगभग 4 से 5,000 किलोग्राम तक होता था। इसके सिर के सामने एक सींग भी हुआ करता था, जिसे एक अलग पहचान दिलाता था, जो बेहद अलग दिखता था। साइबेरियन यूनिकॉर्न को राइनो का पूर्वज माना जाता है, क्योंकि साइज से उसे कई ज्यादा विशाल हुआ करता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रजाति को फिर से इस धरती पर जीवित किया जा सकता है। तब तक के लिए हम सभी को इंतजार करना पड़ेगा। नंबर फाइव, एरिस एल्क। दिखने में तो ये जानवर किसी भेड़ की तरह लग रहा है, पर क्या वाकई में ये डीर है? दरअसल ये जानवर आज से लगभग 12,000 साल पहले इस धरती पर पाए जाते थे, जिन्हें डीर का ही पूर्वज माना जाता है। लेकिन दूसरे लुप्त हो चुके जानवरों की तरह ही ये भी उस वक्त सर्वाइव नहीं कर पाए। एरिस एल्क की साइज लगभग 7 फीट होती थी और इसके एंटलर करीब 12 फीट तक फैले होते थे। इसी वजह से इसे जायंट डियर भी कहा जाता था। ये ज्यादातर यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका में ही पाया जाता था। इसके अलावा पिटलैंड और आयरलैंड में भी उस समय इनकी प्रेजेंस का अनुभव लगाया गया है। साइबेरिया में भी इस जानवर का जीवाश्म पाए गए हैं, जिसे लेकर वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि वो इस जानवर को फिर से धरती पर वापस जिंदा कर सकते हैं। दरअसल आज के समय इसकी करीबी प्रजाति को देखकर ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि एरिस एल्क को वापस जिंदा किया जा सकता है। अब ये काम किस हद तक पॉसिबल है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन साइंस और साइंटिस्ट कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। नंबर सिक्स, द ग्राउंड स्लॉथ। इस जीव को देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो ये कोई बड़े आकार का भालू है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये भालू नहीं है, बल्कि इस जीव का नाम तो ग्राउंड स्लॉथ है, और ये आज से लगभग 8,000 साल पहले ही विलुप्त हो चुका है। लेकिन इतने सालों के बाद भी वैज्ञानिक इसके बाल से डीएनए का सैंपल निकालने में सक्षम है, जिसे लेकर रिसर्च की जा रही है। बताया जाता है कि इस डीएनए की मदद से इस क्रिएचर का क्लोन बनाया जा सकता है,
दोस्तों आपको बता दें कि आइस एज में पाए जाने वाले इस जीव का आकार लगभग 3 मीटर तक होता था, वहीं इसका वजन लगभग 1 टन के करीब होता था। मतलब ये बात तो तय है कि ये जानवर आज की तुलना में बेहद अलग और अजीब था। नंबर 7, द मोवा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस दौरान सिर्फ अनोखे और विशाल जानवर ही पाए जाते थे, बल्कि कुछ ऐसे पक्षियों के भी सबूत मिले हैं जो आज की दुनिया के पक्षियों से काफी ज्यादा बड़े और अनोखे होते थे, जो कि क्लाइमेट चेंज और कई कारणों से इस धरती से काफी पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। इस लिस्ट में द मोवा का नाम भी आता है, जो कि दिखने में आज के ऑस्ट्रिच की तरह दिखते थे। और अब तक इसकी टोटल 9 पीसेस के बारे में ही जानकारी मिली है, लेकिन खास बात ये है कि मोवा काफी बड़ा हुआ करता था और ये उड़ भी नहीं पाता था, इसी वजह से आसानी से इसका शिकार किया जाता था। अब भी ये जानकर चौंक जाएंगे कि लगभग 600 साल पहले तक धरती पर पाए जाने वाला मोवा लगभग 10 फीट तक लंबा होता था। हालांकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म और डीएनए मिल चुके हैं, यानी अगर वैज्ञानिकों की कोशिश सफल रही तो काफी जल्द फिर से इस प्रजाति को देखा जा सकता है। नंबर 8, द बाइजी रिवर डॉल्फिन। द बाइजी रिवर डॉल्फिन डॉल्फिन की ही एक प्रजाति थी, जो कि साल 2006 के बाद से ही विलुप्त है। ऐसा माना जाता है कि प्रदूषित जल की वजह से डॉल्फिन की ये प्रजाति अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके लिए पूरी तरह से हम इंसान ही जिम्मेदार है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसके विलुप्त के बाद से ही इसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दी गई थी, जिसका नतीजा ये निकला कि समुद्र में साइंटिस्ट को इसके डीएनए सैंपल ढूंढने में सफलता मिली है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि काफी जल्द ही इस प्रजाति को फिर से जिंदा किया जा सकता है, लेकिन अगर वाकई में ऐसा होता है तो इसके लिए अभी काफी इंतजार करना पड़ेगा। नंबर 9, द डोडो। मॉरिशस आइलैंड में पाए जाने वाले ये पक्षी विलुप्त जानवरों की लिस्ट में काफी नए नए हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लगभग 80 साल पहले तक धरती पर इस पक्षी का अस्तित्व हुआ करता था, लेकिन इंसानों के द्वारा किए गए शिकार की वजह से ये पक्षी इस धरती से विलुप्त हो गया। बताया जाता है डोडो मॉरिशस आइलैंड में तब तक आराम से जी रहा था जब तक कि 10 लोगों की बुरी नजर इस पर नहीं पड़ी। दरअसल डोडो उड़ नहीं सकता था, यही वजह है इसका शिकार बड़ी ही आसानी से किया जाने लगा। हालांकि ये आकार में बड़ा होता था और काफी ज्यादा वजनी भी, फिर वैज्ञानिक इसके डीएनए सैंपल कलेक्ट करने में जुटे हुए हैं, यानी उम्मीद है जल्द ही इस प्रजाति को फिर से धरती पर जीवित करने की कोशिश की जा रही है। नंबर 10, नीएंडरथाल। दोस्तों अब इस वीडियो के अंत में नंबर आता है नीएंडरथाल का। जी हाँ, इस वीडियो में आपने जितने भी जीवों के बारे में जाना वो सब या तो एनिमल थे या पक्षी, लेकिन ये अनोखा जीव इंसानों से ताल्लुक रखता है। दरअसल इसे इंसानों की ही सब स्पीशीज माना जाता है, यही वजह है कि साइंस की दुनिया में इसके भी विलुप्ति के लेकर विवाद चल रही है। यहाँ तक कि ये भी दावा किया जा रहा है कि साइंटिस्ट के पास इसका जीनोम अवेलेबल है, यानी कि इस लुप्त हो चुकी ह्यूमन स्पीशीज को फिर से जिंदा किया जा सकता है। अब ये कहाँ तक सच साबित हो सकता है और ये कब तक प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है, ये डिबेट का विषय है, और इसके अंजाम क्या हो सकते हैं इसके बारे में अब हम कुछ नहीं कह सकते। दोस्तों आपको क्या लगता है, वैज्ञानिकों का ये दावा कहाँ तक सच साबित हो सकता है? मैं डॉक्स मौजूद है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें वीडियो बनाने के प्रति उत्साह और ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों अब हम मिलेंगे एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।